तो मेरा बेड है इसमें, इस पे लिखा हुआ बेड 3। भाई अभी हो रहे हैं सुबह के, तो भी आया था ट्रेन स्टेशन, ये डबल डेकर ट्रेन है पूरी। वाओ, एज यू कैन सी पूरा हमारी 7 बजे की ट्रेन है माद्रिद टू बार्सिलोना। धान की वजह से काफी लेट हो चुके हैं। टेम्परेचर बहुत अच्छा है, इट्स नॉट दैट हॉट। हाउ योर वॉक है? हमारे यहाँ तो 20 मिनट्स की वॉक है। लेट्स सी हाउ यू फीलिंग। रियली रिलैक्स्ड, रिफ्रेशिंग, looking forward for Barcelona. Barcelona is on. Good morning. Good morning. Ho sare main dod gaya hu bhi aaye na koi aisa leader pe dalna hai। देखो भाई ये बंदे ने इतनी लड़ाइयाँ की हुई है ना डबलिन में कि अभी हमें एडवाइस देने तैयार हो गए हैं। यहाँ पे एक रेड लाइट पे मुझे एक चीज़ पता चली, ऐसे क्रॉस करने का होता है वहाँ पे, जैसे भी रेड हो रही है हमारे चलने के लिए ग्रीन होती है, बट यहाँ पे कोई ऐसे बटन्स नहीं होते प्रेस करने के लिए, तो वैसा सीन है। आइलैंड में क्या होता है, कभी रेड भी होता है तब भी गाड़ी चलती नहीं, वो रुके रहते, थोड़े डिसेंट होते हैं। यहाँ के थोड़े अपन को रूट से लोग लग रहे हैं। तो मैड्रिड में जैसे पूरी रात मैड्रिड बहुत गंदा होता है, यहाँ के मेरे लोकल लाइट से बात हो रही थी, वो बता रहा था कि सारे बहुत गंद मचाते हैं, लेकिन पूरी रात यहाँ पे क्लीन करते हैं मैड्रिड को फिर बाद में। तो हम जब भी रात को होते थे यहाँ पे, कूड़े उठाने की गाड़ी, साफ़ करने की गाड़ी सब हो रहे होते थे, क्योंकि सुबह सुबह आपको मैड्रिड हमेशा ब्यूटीफुल मिलता है, बट रात तक जो ड्रंक लोग हैं वो इसको सारा डर्टी सा कर देते हैं। एयरपोर्ट के हाथ बोल रहे थे क्योंकि इतनी बड़ी लाइन थी। यहाँ पे हम स्पेन के लिए आए हैं, यहाँ से बार्सिलोना की ट्रेन जो हमारी उसके लिए भी इतनी बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, क्योंकि यस एंड डोंट बी लेट। हम ऑलमोस्ट भाग भाग के हमने पकड़ा है, एंड यहाँ का जो ट्रेन स्टेशन है पूरा एयरपोर्ट जैसा ही लग रहा है देखा जाए तो। एक बॉटल और पानी ले लेते ना, पानी ले लेते हैं और एक चिप्स भी ले ले, पूरी डील बन जाएगी। ये अच्छे लगते हैं ना। हाँ ये कितने की है? 3 यूरो की डील है, चिप्स और पानी। शॉर्ट हमारी ट्रेन टिकट्स आई हैं, वो आई है 40 यूरोस की फ्रॉम मैड्रिड टू बार्सिलोना। उससे पहले सस्ती भी आ रही थी, 30 यूरो की भी आ रही थी, लेकिन तब तक हमारा वीज़ा नहीं आया था एंड आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट। थोड़ा सा लेट हुआ तो फिर मेरी 40 यूरो की आ रही थी, तो 40 यूरो की टिकट्स होती है इफ़ यू वांट टू ट्रैवल विद इन स्पेन। तो भी आया था ट्रेन स्टेशन, ये डबल डेकर ट्रेन है पूरी। वाओ, एज यू कैन सी पूरा डबल डेकर है। गेट्स यहाँ पे नीचे को है एंड आई थिंक हमारा आगे को जाके है गेट। भाई पहली बार हमारी भी डबल डेकर हो ना, हमें ऊपर बैठे हैं। हाँ वो तो हो सकता है, देखते हैं, बट दिस इज अ फर्स्ट टाइम गोइंग इन दिस ट्रेन, आई थिंक इट विल बी क्रेजी एक्सपीरियंस। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इतना अच्छा नहीं होगा, बट अच्छा लग रहा काफी है ना। हाँ। ट्रेन पहली बार है भाई, नीचे सीटिंग है ऊपर भी सीटिंग है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग दैट एंड ऑलमोस्ट लेट है। 4 मिनट में चलने वाली ट्रेन, सो गॉट टू रन एंड कैच आवर ट्रेन। हमारी ट्रेन में डबल डेकर में ऊपर की साइड है जो भी हमारे सीट नंबर्स हैं 31 कुछ, आई गॉट बीच में सोफे भी हैं ऐसे ट्रेन के। काइंड ऑफ गिविंग एयरक्राफ्ट का फीलिंग यू नो। काफी कंफर्टेबल चेयर्स हैं भाई, काफी स्पेशियस, पैर रखने की जगह पूरी, और भी सामान रखने के ये टेबल बन जाती है। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रैवल करने आ रहे हो स्पेन में, अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको मास्क पहनने ही पड़ते हैं, जो कि वियर्ड अब फिर से लगने लगे। मैं कह रहा हूँ मास्क तो हम नहीं पहनते, बट अगेन अगर आपको ट्रैवल करना, यू हैव टू गेट योर मास्क ऑन। उनका लंबा क्या गई, हाँ हो गया, ठीक है। आयरलैंड का नाम लगा रखा था सुबह का, यस ओके। तो इसके बाद पे अभी बज रहे सुबह के 7:10, 2 घंटे 30 मिनट की वो जो ट्रेन राइड है, तो 2 घंटे 30 मिनट में वी विल बी इन बार्सिलोना। हमारे नीचे लोग बैठे हैं, बस अब पता चला है उसको क्या नींद में जा रही थी क्या, यार ये डबल डेकर में बैठते मज़ा आता है। अरे बैठे बार्सिलोना, ट्रेन इतनी गंदी हो रही है बाहर से।
सबसे अलग चीज क्या लगी तुमसे बार्सिलोना में पहुंच के? मैं बताता हूँ, बिल्कुल तेरे पीछे टैक्स के कलर्स देखो भाई। हाँ, दैट इज ह्यूमिड है, अभी भी बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, बहुत टायर्ड है। बस में कह रहा हूँ, बहुत टायर्ड है। क्या करते हुए आया था ट्रेन में? कल रात को बहुत लेट सोए ना, तो ट्रेन में सिर्फ 2 घंटे ही सोए हैं अभी हम। बट पैक्ड, अभी जाएंगे, ट्राई करेंगे सब रखने का, फिर जाएंगे आज पिज्जा। अब हम सब कुछ रखेंगे, उससे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे। कहाँ से चला है ऐसे? तो नहीं, स्टेशन के बाहर आते वाइब है, मैड्रिड के बाहर कुछ नहीं, झगड़ा हो रहा है। मैड्रिड में जब हम लैंड करे थे तो यू वर लाइक वाओ, व्हाट अ सिटी, दैट वाज एयरपोर्ट। नो डूड, यू डोंट जज, लुक एट द हॉप एंड हॉप ऑफ। तो बार्सिलोना पहुंच गए थे, पहले स्टेशन से बाहर गए, फिर वापस स्टेशन के अंदर आ गए क्योंकि भूख लग रही थी। तो अभी मैकडोनल्ड्स में बैठे हैं, यहाँ पे खाएंगे और फिर हम यहाँ का एक डे पास लेने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी हमने ऑनलाइन रेट चेक करा, तो 2 डेज का 48 आवर्स का डे पास है 16 यूरोस और 3 डेज का इज 23 यूरोस। और मैड्रिड में 1 डे का ही 23 यूरोस था, तो बार्सिलोना में उससे भी ज़्यादा सस्ता है। अब अगर उससे भी ज़्यादा अगर डे पास सस्ता है तो क्या और चीज़ें भी सस्ती होंगी या नहीं होगी, वो हमें तो अभी पता चल जाएगा। 3 डे पास कार्ड रिमूव दिखाना। देखो ऐसे टिकट में ना ये ऐसे प्रिंट बना होता है, ये जो लाइन है ना ये वैसे टिकट में पीछे नहीं होती, तो जब जब आप शायद ट्रैवल करोगे ऐसे प्रिंट होके आता है और ये प्रिंट हमेशा चेक कर लेना। प्लान में थोड़ा चेंज आया, विच इज़ वेरी बैड। लास्ट मिनट पे जो हमारी कल स्कूबा डाइविंग होने वाली थी दैट गॉट कैंसिल, वी गॉट अ मीन दैट ड्यू टू दिस कोविड थिंग, इंस्ट्रक्टर को ही कोविड हो चुका है, तो वी कैन नॉट डू। आई एम ब्रिटिश इज रियली वर्किंग हार्ड टू फाइंड वे वी कैन डू। काफी मूड मूड ऑफ, पहली बात तो यहाँ भी चेक इन है 12 बजे होना है, हर जगह 12 बजे होता है, लेकिन बार्सिलोना के उसमें जो चेक इन है वो 3 बजे हो रहा है, पता नहीं क्यों। और हाँ गाइस, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जब भी आप यहाँ पे बुकिंग होती है तो ऑनलाइन प्राइस हमारा होस्टल का आया था 52 यूरोस फॉर 2 डेज, लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट चार्ज भी होता है, टूरिस्ट सर्विस चार्ज जो 3 यूरो पर डे का पड़ा होगा, तो इन टोटल हमारा जाके कितना पड़ा? 58 यूरोस कुछ पड़ा। जो मैड्रिड था, मैड्रिड मुझे सही में ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि अभी जैसे ही बार्सिलोना आया तो मुझे जो इनका जो ट्रेन स्टेशन था ना वो मुझे ऐसा लगा था जैसे कुवैत में आया हूँ मैं। मैं भाई क्या कुवैत में आ गया हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी थी और बहुत नॉर्मल सा लग रहा था, और एक्चुअली यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है थोड़ा सा ओल्ड सा है और प्लस यहाँ पे गर्मी बहुत है। एक जगह तो ऐसी अभी इनफैक्ट जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, बाहर की स्ट्रीट भी आपको ऐसी लगेगी जैसे कनॉट प्लेस में हो तुम, नॉर्मल मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, लग रहा है भाई। बट इफ यू गो टू मैड्रिड तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वहाँ पे। और मैं इतने सारे कपड़े लेके आया हूँ लेकिन मैंने कुछ भी नहीं पहना है अभी तक, क्योंकि अभी तक हमें लॉगिन किया, चेक इन नहीं हुआ है, मैं यही कपड़े पहन के घूमने आ रहा हूँ। लेट्स सी हम इसको वो करने को मिलता है या नहीं। या फ्रॉम बार्सिलोना 4 पीपल या मंडे इज आल्सो ओके, एट व्हाट टाइम ऑन मंडे? तो क्या क्या इंक्लूडेड है जल्दी बताओ। सो ये बंदा ने बोला कल के लिए 4 लोग के लिए तो आई कैन अरेंज ड्राइव इन कोस्टा ब्रावा, वहाँ पे तो ये जवानी कह रहा हूँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली भी थी। फिर ये बोला सो द प्राइस इज 179 ऑन देयर वेबसाइट, बिकॉज़ यू आर 4 पीपल आई विल गिव यू अ डिस्काउंट मेकिंग इट 160 पर हेड। ओह नाइस, और क्या इंक्लूडेड? 640 फॉर 4 पीपल एंड व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड? इट इंक्लूड्स ट्रांसफर्स टू एंड फ्रो पिकअप फ्रॉम योर हॉस्टल, नाइस, डाइविंग साइट अगेन ड्रॉप यू बैक एट द सेम प्लेस, कूल, एंड अ कॉफी इन बिटवीन द ट्रैवल बिकॉज़ यू हैव टू ट्रैवल टू कोस्टा ब्रावा, साइन, एंड आफ्टर योर फर्स्ट डाइव यू हैव अ लंच ब्रेक। वाओ, ही प्रोवाइड्स लंच। And what time is it, Brijesh? So he said he'll do it in the morning. And perfect. Once we send the confirmation, he will let us know the timings of the pickup. And do we need to pay right now or kya scene pe ka? I told him like I'll pay all cash tomorrow. Bhai, he asked me to transfer, but I'm not sure about transfer. Yeah. Safe. It's not so safe. I told them I'll pay you cash all at once. Cash is good. Cool. And this includes all 2 dice. It's crazy, bhai. Crazy. Guys, ye hame mila hai. Sabke alag alag floor hain. Aap dekhoge 312. Tera kya 313. 313. To hum dono ka same hi ho gaya room. बेचारी काफी श्रिया के ही रोएंगी। 4th फ्लोर है कभी थोड़ा ब्रेक मिलेगा मुझे भाई, अभी रो रही थी कैमरा खोलने से पहले, रो रही थी।
टाइम मेरा है वेरी शेडी, मेरा है 312 विच इज दिस साइड ऑल दिस साइड बट व्हाट अ ट्रिपी प्लेस गाइस. एसी चल रहा है, बहुत गर्मी थी भाई. बार टेक अ राइट, टेक अ राइट भाई. ओ यार 313 भाई, कैसे शेडी जगह पे रह रहे हम. 313 मेरा 312 है. ओ ब्रिज तेरा भी 313 है. तुम तो 311 है. ये 313 है रहा, और ये रहा 312. तेरा 313 है. तुम एक रूम में हो. ओ वाओ काफी बढ़िया. स्पेशियस अभी कोई है नहीं. तो ये है बार्सिलोना का प्लेस. तो मेरा बेड है इसमें, इस पे लिखा हुआ है बेड 3 कौन सा, ये 2 है, ये 3 है. चलो नीचे वाला है क्योंकि वहाँ पे कैट्स, मेरा ऊपर वाला था, चढ़ने में भाई बहुत दिक्कत होती है. तो ये वाला बेड हो गया अपना. यहाँ से व्यू है, खोल के देखें जरा. आइडिया नहीं है मुझे कैसे बोलता है, बट एनीवे. तो ये अपन का बेड, यहाँ पे कोई और रहेगा, वहाँ कोई और रहेगा, ये इधर कोई और. सेम नीचे यहाँ पे लॉकर्स हैं वैसे ही कार्ड वाले. तो 3 का ही हो जाएगा. 6 क्यों दे रहेगा, इतने तो बेड भी नहीं है. और व्हाट इज दिस, ओ बाथरूम ए सी साथ ही है. तो यू ओपन दैट, लाइट अपने आप जल जाएगी. वो ये अच्छा है इस हॉस्टल में क्योंकि ये रूम के अंदर ही हमारा पूरा वॉशरूम है, क्योंकि कैच वाले में वॉशरूम नहीं था अंदर. और ये तुम्हारा नहाने का प्लेस होगा. काफ़ी सॉर्टेड. शावर कहाँ है भाई? ओ अच्छा ये रहा, सॉरी ऊपर शावर है. तो दैट इज द एरिया. और क्या है यहाँ पे, यहाँ पे एसी टेम्परेचर कर सकते हो. डस्टबिन हो गया. ओ भाई बहुत ज़्यादा लगेज है भाई, ये मेरा लगेज भारी हो जा रहा है बार बार. थोड़ा बेड पे बैठ के देखते हैं. ओ आओ भाई मेरी हाइट देखो, ये क्या है भाई, बहुत छोटा है. सुबह मैं उठा कर बैठने जाऊँ बैठ नहीं सकते, थोड़ा जूते उतार दूँ. ये हॉस्टल सही रहता है, सस्ता रहता है. एयरबीएनबी भी करोगे कॉस्टली पड़ेंगे. ये मैंने चेन अभी खरीदी थी आज, तो ये मुझे पड़ा. अच्छा मैं बता चुका हूँ पहले, फिर सुन लो. चलो 59 का पड़ा क्योंकि इसमें मैंने ये देखो यार, इसमें मैंने अपना ये भी दिया था टूरिस्ट टैक्स कि आप यहाँ पे घूमने फिरने आए हो. बट द गुड थिंग इज अगर मेरा ये बेड होता, अगर ये यहाँ पे ये मतलब ऐसे बंकर बेड्स नहीं होते, उसकी जगह एक नॉर्मल एक बंदा यहाँ पे रह रहा होता, तो ये होता मेरा व्यू. तो यहाँ से उठता रोज सुबह, देखता ही नज़ारे, मजे करता. गुड प्लेस. ये क्या चीज़ है, एक और चीज़ मुझे फाइंड आउट हुई है. लेट्स सी व्हाट्स दैट. ओह दैट्स अ टेबल. वाओ ये उठती कैसे है भाई. लेट मी सी, इसको ऐसा करो. स्केरी. लॉक क्यों नहीं हो रही है, नहीं आया मुझे कैसे खुलते हैं. ओह मेरी टांगे बहुत दर्द कर रही है भाई, गॉड बहुत चल लिया यार, काफ़ी दर्द है. और हाँ अगर आपको वो सब देखना है तो ये सॉकेट्स हैं यहाँ पे, तो आयरलैंड का अलग होता है, इसलिए मैं कहता हूँ यूनिवर्सल चार्जर ले आना, यहाँ लग जाएगा, इधर लग जाएगा. और ये वो यूएसबी वाला केबल, ये 3 यहाँ है. ये आपकी लाइट है, सारी चीज़ें लाइट है. दैट्स गुड, रोशनी आ रही है अच्छी खासी. रात को बुक्स पढ़ेंगे. नहीं कोई बुक्स नहीं है मेरे पास पढ़ने के लिए भाई. क्या एस्थेटिक्स आ रहा है, शक्ल कितनी उधड़ी सी लग रही है. नहाना है अभी. अभी प्लान क्या है देख के सर बजेगा मेरा फिर से. तो प्लान अभी ये है गाइस कि मैं जाऊंगा अभी यहाँ से बीच, और फिर बीच के बाद जाऊंगा क्रूज, क्योंकि यार हमने क्रूज बुक करा रखी है, तो क्रूज भी जाना है. बट मुझे लग रहा है ब्लॉग बहुत लंबा बन जाएगा कि बार्सिलोना आया हूँ मैं मैड्रिड से, वो भी इसमें आपने देख लिया, मेरा हॉस्टल भी आपने देख लिया, मैं अभी बाहर गया था वो भी आपने देख लिया. तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और इस सीरीज को करते हैं कंटिन्यू विद द बीच एंड द क्रूज. और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, और भी बहुत चीज़ें. थोड़ा हिंट दे दूँ, थोड़ा हिंट दे दूँ, थोड़ा पानी के अंदर भी जाने वाले हैं हम. तो सब कुछ आने वाला है, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टे ट्यून्ड विद इट. सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. स्टे ट्यून्ड फॉर द स्पेन ट्रिप बिकॉज द व्लॉग्स आर येट टू कम. टिल देन मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. पीस आउट.